आज मैं बनाने जा रही हूँ खोया की बर्फी। इस बर्फी को बनाने में आपको कुल 20 से 25 मिनट लगेंगे एंड ये बर्फी बाजार की बर्फी को भी मात दे देगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा एंड जानिए बिल्कुल मार्केट जैसे टेक्सचर की बर्फी घर में तैयार कैसे कर सकते हैं। मेरी हर वीडियो में यही कोशिश रहती है कि कम से कम समय में सबसे बढ़िया रेसिपी शेयर कर सकूं, क्योंकि मैं भी फुल टाइम जॉब करती हूं एंड मेरा छोटा बच्चा भी है, तो मैं समझ सकती हूं हर वर्किंग वुमन की प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं कैसे एकदम आसान तरीके से बर्फी बनाई जा सकती है घर में ही। तो हमें एक पैन लेना है, आप कोई भी मावा ले सकते हैं। मैं यहाँ अमूल का खोया यूज कर रही हूँ। आपको 200 ग्राम्स खोया लेना है एंड इसको अच्छे से चूरा कर लेना है जिससे कोई भी इसमें टुकड़े ना रहे। अब इस खोए को पैन में ऐड कर देना है। इसके साथ हमें 100 ग्राम्स या आधी कटोरी चीनी भी ऐड कर देनी है। अब इसे अच्छे से मिलाते रहना है एंड थोड़ी ही देर में चीनी मेल्ट होने लगेगी। इसे हमें हल्की आंच पर ही जलाना है। चीनी जैसे ही मेल्ट होने लगेगी ये मिक्सचर थोड़ा सा लिक्विडी होने लगेगा। इसको हमें तब तक चलाना है जब तक ये पैन ना छोड़ने लगे। ये देखिए चीनी के मेल्ट होते ही ये मिक्सचर लिक्विड फॉर्म में आ गया। आप इसे अच्छे से चलाते रहें। अब इसमें हम स्वाद अनुसार इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अब ये देखिए मिक्सचर हमारा पैन छोड़ने लगा है, इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया लग रही है। बुने हुए मावे की मिठाई तो गांव में भी बहुत ज्यादा ही फेमस है। अब आपको एक ट्रे लेनी है, आप चकोर या गोल ट्रे ले सकते हैं एंड इसमें आपको बटर पेपर लगाकर उसको अच्छे से देसी घी से ग्रीस कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। अब हमारे मिक्सचर को इस ट्रे में डालकर अच्छे से इसे बराबर तरीके से फैलाना है। हमें इसे गरम गरम ही फैलाना है। फैलाने के बाद गरम मिक्सचर में ही हमें गार्निश के लिए चॉप नट्स ऐड करने हैं। आप कोई भी नट्स यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पिस्ता यूज कर रही हूँ। अब इसको हमें अच्छे से ठंडे होने देना है, तो आप इसे साइड में रख दीजिए या फिर आप इसे कुछ देर फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैं कहूंगी इसे बाहर ही रहने दें, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब ये अच्छे से सेटल हो चुकी है, तो इसे हमें ट्रे से प्लेट में ट्रांसफर करना है। इसके लिए आप प्लेट को उल्टा ट्रे पे रख दें एंड फिर हाथ से ऊपर नीचे से कवर करके इसको ध्यान से पलट लें। अब बहुत ही आराम से इसका बटर पेपर निकाल लें। फिर इसे सीधा करने के लिए दूसरी प्लेट से कवर करके सेम मेथड से इसे फिर से पलट लें। ये देखिए आपकी मार्केट से भी बढ़िया बर्फी एकदम बढ़िया तरह से तैयार है। आप इसको स्क्वायर या डायमंड शेप में कट करें एंड खुद भी इंजॉय करें एंड अपने परिवार या फिर अपने मेहमानों को भी टेस्ट कराएं। वो आपसे इसकी रेसिपी ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। मैं इसी तरह से रेसिपीज आप सबके लिए बनाती रहूंगी।